प्रदेश से माननीय सीएम साहब ने आज हमारे साथ पौधा लगाकर इस यात्रा को सम्मानित किया है, मेरा हौसला ही अफजाई किया है। मैं माननीय सीएम सर को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में इस यात्रा का मध्य प्रदेश के जितने भी दिव्यांग निकलेंगे अपने प्रदेश का नाम, स्वर्णिम मध्य प्रदेश का नाम रचकर पूरे भारतवर्ष का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करेंगे, तब ये यात्रा का हम सफल और उद्देश्य इसका यही होगा। ये जब यात्रा निकलती है, क्योंकि आप बाइक पर निकलते हैं, तो क्या आप अकेले हैं या फिर इसके पीछे आपकी एक टीम है? टीम है डेफिनेटली। किसी भी कार्य करने के लिए अकेला तो ठीक है, मगर जब टीम वर्क होता है, जब एक गाड़ी के एक पहिया है तो ठीक है, जब दो पहिए हो जाते हैं तो कार्य कुछ आसान हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रमोद धनेले जी हैं, इनका पैर में प्रॉब्लम है हमारे साथ, मुकुल कटारिया जी हैं तो वो भी हमारे साथ गाइड कर रहे हैं। तो ये चीज़ जब इस वजह से जब हम किसी चलते हैं रास्ते में तो काफ़ी टायर पंचर भी होता है, गाड़ी में भी प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ा जो टिपिकल काम होता है कि हम अपने पैकिंग को नाइट में, हम जब किसी होटल में स्टे करते हैं तो पैकिंग करते हैं, पैकिंग को खोलते हैं, सुबह ही हमने झट करके उसको बांध के निकलना है। तो ये बहुत चैलेंज भी बहुत आते हैं, काफ़ी चैलेंजिंग है। गर्मी का बहुत बड़ा चैलेंज है, और यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ, गर्मी मतलब जो तेलंगाना हम पहुँचे 45 वहाँ का टेम्परेचर था। साथ में एक संदेश और देना चाहता हूँ, मैंने इंग्लिश चैनल 2018 में अपनी टीम के साथ 12 घंटे में क्रॉस किया, 2019 में कैटरीना चैनल किया, पिछली साल 2022 में नॉर चैनल अपनी टीम के साथ 14 घंटे 39 मिनट्स में क्रॉस किया, 8 और 9 डिग्री में, काफ़ी ठंडे में भी मैंने अपनी बॉडी को एक्लमेटाइज किया है, और इस यात्रा के माध्यम से 45 डिग्री में मैंने ये यात्रा कर रहा हूँ, राइडिंग कर रहा हूँ गर्मी। इसीलिए मैं कहता हूँ, किसी कार्य करने के लिए गर्मी और ठंडी ये मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपका डेडिकेशन। माइंड इज द पावरफुल थिंग्स, व्हेन विल वी यूज द चेंज द बल, मनोविश्वास और दृढ़ संकल्प है तो ठंडी और गर्मी कोई मैटर नहीं करती। इसी में दर्शकों को इसी का मैं संदेश देना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप मध्य प्रदेश शासन के विक्रम सम्मान से भी पुरस्कृत हैं सत्येन जी। तो आखिरी सवाल, जो कि आप दिव्यांगजनों को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो भी आगे आके नाम रोशन करें, मध्य प्रदेश सरकार भी खेलो इंडिया के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही है, तो आप क्या खिलाड़ियों को संदेश देना चाहेंगे इस यात्रा के माध्यम से और जनसंपर्क कार्यक्रम के, इस वार्ता के कार्यक्रम के माध्यम से? मैं जनसंपर्क, मध्य प्रदेश का जो जनसंपर्क विभाग है, मैं इसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर समय खिलाड़ियों की आवाज़ को उठाता है और उनको प्रोत्साहित करता है, और इस आज के इंटरव्यू के माध्यम से ये हो रहा है। साथ में मध्य प्रदेश सरकार ने काफ़ी खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन ही नहीं दिया है, उनको आगे बढ़ने की एक सीध दी है। अब तो कौशल ट्रेनिंग भी चालू कर दी है, हर तरह की जो स्कीम है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश सरकार ने मेरे को विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया, जब तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड महामहिम राष्ट्रपति जी ने मेरे को दिया, तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को सम्मानित किया, इसके बाद हर समय मेरे को प्रोत्साहित करते हैं। साथ में मैं खिलाड़ियों के लिए ये कहना चाहता हूं कि मैं जब घर से निकला था तो बड़ा ये लग रहा किस तरीके से, आप घर से निकलिए आपका कारवा बढ़ेगा, पहले अपने आप पर विश्वास करिए तब लोग विश्वास करेंगे। हमें सरकार पर भरोसे से पहले खुद पर भरोसा कीजिए, अपना कार्य करके दिखाइए, अपना उद्देश्य करके दिखाइए, तो लोग अपने आप मदद भी करेंगे, सरकार भी मदद करेगी, सब लोग मदद करेगा, देश मदद करेगा। सबसे पहले अपने आप को विश्वास के साथ आगे बढ़िए, कर बइया भले आपनी छोड़ बिराने आस, और तेरे आगन नदिया बहे तौ मरत प्यास। अपने आप पर विश्वास कीजिए, दुनिया पर विश्वास करेगी। इसी आशा उम्मीद के साथ जनसंपर्क विभाग ने मेरा बात को युवाओं तक, खिलाड़ियों तक, मेरे प्रदेश के सभी लोगों तक पहुंचाया, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। जहां चाह होती है वहां राह निकल जाती है, तो ये यात्रा निकल रही है खेलों के प्रति खिलाड़ियों को जागरूक करने के लिए, और विशेष तौर पर दिव्यांग जनों को जागरूक करने के लिए कि वो भी आगे आए और अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येन सिंह जी, आपने जनसंपर्क वार्ता के लिए वक्त निकाला। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जनसंपर्क विभाग और जनसंपर्क विभाग की पूरी टीम को, जो मेरे लिए कार्य हर समय तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।